एक चीज की हम इतनी बार प्रैक्टिस कर लें कि कोई भी चीज ऐसी ना हो जिसको हम परीक्षा में पहली बार लिख रहे हों, जो आपने कहा कि भूलने लगते हैं। वो दो तरीके की हमारी मेमोरी होती है, एक होती है अस्थायी मेमोरी और एक होती है अस्थायी मेमोरी। कितना भी आप व्यस्त रहें, अब आपको ए बी सी डी और टू का टेबल नहीं भूल सकता है, क्योंकि वो आपके अस्थायी मेमोरी में बना हुआ है। तो जितनी बार आप राइटिंग करेंगे उतनी बार वो चीजें आपके अस्थायी मेमोरी में चली जाएंगी और वो कभी भी डिलीट नहीं होंगी। जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, मैंने हमें लगता है 1986 के बाद अलजेब्रा नहीं पढ़ी, लेकिन आज तक याद है, क्योंकि वो हमारे परमानेंट मेमोरी में बात बैठी हुई है। तो जो भी चीज आप लिखें एग्जामिनेशन हॉल में, जो आपको लिखना है, उसकी इतनी बार आप री राइटिंग कर चुके रहें अपने घर पे, इतना बार अभ्यास कर चुके रहें, लिख लिख के इतनी बार उसका प्रैक्टिस किए रहें कि कोई भी चीज आपको एग्जामिनेशन हॉल में भूलने ना पाए। बात सही है कि हमने जो कुछ भी साल भर पढ़ाई की है वो तो की है, लेकिन अब जब हमारे पास 20-25 दिन से बचे हुए हैं जिसमें कि हम बहुत कुछ बदल नहीं सकते, उस 20-25 दिन में हमारी भूमिका और हमारी तैयारी किस तरीके की होनी चाहिए। तो सबसे पहले चीज तो जो पेपर आपका पहले दिन हो उसके लिए आप 4-5 दिन छोड़ दीजिए, बाकी जितने दिन आपके बचे हैं 20 दिन जितने पेपर हैं आप प्रोवाइड कर दीजिए। आप आज फोर रूम में या आज आपने 6 घंटे जितनी भी आपकी पढ़ाई हो, मैक्सिमम समय तक की पढ़ाई चल रही होगी, तो आप आधे समय तक एक विषय पढ़ें, आधे समय तक दूसरा विषय पढ़ें, कल फिर आधे समय तक एक विषय पढ़ें, आधे समय तक दूसरा विषय पढ़ें, ऐसे परसों भी आधे समय तक एक विषय पढ़ें, सब्जेक्ट चेंज भी करते रहें ताकि मोनोटोनस न होने पाए। और जो मैंने सबसे पहले बताया था वो हमेशा ध्यान रखिए कि राइटिंग इज री राइटिंग। जो भी चीज आज आप पढ़ रहे हैं, आज आपने 2 घंटे या 4 घंटे पढ़ाई की है, कल जब आप 4 घंटे पढ़ने जा रहे हैं नई चीज जो पढ़ रहे हैं, उसके पहले आज आपने जो चीजें पढ़ी हैं उसको अपने मन से लिखिए। आप देखिएगा कई चीजें आप भूलेंगे फिर देख लीजिए फिर लिखिए। तीसरे दिन जब आप पढ़ाई करें तो फिर दोनों दिन जो आपने पढ़ाई की है उसको अपने मन से लिखिए और फिर चीजें पढ़िए। इस समय आपके पास नया पढ़ने का बहुत समय नहीं है, लेकिन एग्जामिनेशन में कॉन्फिडेंस तभी बढ़ा रहता है जब पूरे सिलेबस पे हमारा कमांड हो। पूरे सिलेबस पे कमांड करने का समय अब नहीं है, जिनका कमांड अब तक हो चुका होगा वो हो चुका होगा। इस समय आपके पास समय सिर्फ और सिर्फ रिविजन का है, तो आप रिविजन करते रहें, लिख लिख के रिविजन करते रहें, इस तरीके से रिविजन करते रहें कि जो कई प्रश्न आए थे हम लिखते हैं फिर भूलने लगते हैं। एग्जामिनेशन में जाने के पहले आपके पास सारी चीजें 4-5 बार आप पेन से लिख चुके हों, ताकि एग्जामिनेशन के समय में आपको सर के ऊपर हाथ न टोकना पड़े, एग्जामिनेशन के समय में आपको दिमाग के ऊपर जोर न लगाना पड़े। सारी चीजें इतनी बार आप लिख चुके हों अपनी कॉपी में घर पे, कोई दिक्कत ना हो। गैप निश्चित रूप से होगा ही, हमने स्क्रीन तो नहीं देखी है लेकिन गैप होता ही है, गैप भी बड़ा महत्वपूर्ण होता है। और आप अपनी प्लानिंग अगर किसी सब्जेक्ट में बीच में गैप जाते हैं तो उसके लिए इस समय आप चाहें तो रिविजन के लिए कम समय रख सकते हैं, लेकिन अगर गैप एकदम नहीं है, ये भी हो सकता है कि गैप ना हो एक आध पेपर में, अगर गैप नहीं है तो वो पेपर आपका पहले ही पूरा तैयार होना चाहिए, नहीं तो उस समय बड़ा प्रेशर पड़ जाता है कि यार ये तो गैप है ही नहीं, तो एग्जाम देके आ रहा है आदमी और फिर घबरा जाता है कि तो कल ही एग्जाम है, बहुत सी चीजें छुपी हुई हैं। आप अपने पेपर के बीच में गैप को ध्यान में रखते हुए अपना समय निर्धारण करें। जो पेपर सबसे पहले हो उसके लिए आप 3-4 दिन जैसी आपकी तैयारी हो, आप समझ रहे होंगे कि 2 दिन में तैयार कर जाएंगे, 3 दिन या 4 दिन उतना दिन छोड़ के बाकी बचे हुए दिन को सारे विषयों में बांट दीजिए। लिखिए जरूर, प्रैक्टिस जरूर कीजिए। जैसा सैंपल पेपर की बात हो रही थी, सैंपल पेपर रिविजन के लिए बड़े अच्छे होते हैं, क्योंकि आपने जो भी टाइम पीरियड है आपका 3 घंटे का अगर है तो 3 घंटे में आप उसको करके, जैसा प्रिंसिपल साहिबा बता रही थी, 3 घंटे में उसको आप सॉल्व करके देखिए, बहुत अच्छी प्रैक्टिस होगी। एक और सारी चीजें सारे बच्चे एकदम गांठ बांध लें, 3 घंटे का पेपर है तो आप ये मान के चलिए कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ 2.5 घंटे हैं, 15 मिनट को आप काउंट ही नहीं कीजिए। एग्जामिनेशन में जब पेपर मिले तो आप ये मान के चलिए अगर 3 घंटे का पेपर है कि सिर्फ 2.5 घंटे में हमें सब चीजें करनी, वो 15 मिनट में बाद में जब आप सब रिविजन करते हैं उसमें वो बड़ा ही महत्वपूर्ण रहता है। कभी कभी होता है कि कोई छोटा सा प्रश्न है, गलती बस जल्दीबाजी में छूट गया रहता है, तो उसको आप कर सकते हैं, वो 15 मिनट जरूर आप समय रखें और घड़ी पे ध्यान रखें जिस दिन आप परीक्षा दे रहे हो। घबराइएगा एकदम नहीं, घबराने से जो चीजें हमारे पास होती हैं वो भी हमसे चली जाती हैं।
घबराइए का एकदम नहीं, क्योंकि आपको मिलना वही है जो आपने साल भर मेहनत की हुई है। घबराइए का एकदम नहीं और मेहनत पूरी अच्छी तरीके से कीजिएगा। रिवीजन जरूर एग्जामिनेशन में लीजिएगा कि आपने क्या क्या चीजें लिखी हैं, क्योंकि प्रेजेंटेशन भी बड़ा काउंट करता है। खराब बनी हुई चीज भी अगर अच्छे कप प्लेट में, अच्छे प्याली में, अच्छे प्लेट में अगर आपको परोसी जाए तो बड़ा अच्छा लगता है, और बहुत अच्छी बनी हुई चीज भी अगर आपको कोई हाथ में दे दिया या नैपकिन में रख के दे दे तो उतना अच्छा प्रेजेंटेशन। तो एग्जामिनेशन में नंबर लेने के लिए नो डाउट जो आप कंटेंट होना चाहिए, नहीं कि सिर्फ प्रेजेंटेशन ही रह गया, लेकिन प्रेजेंटेशन भी बहुत काउंट करता है। कभी कभी होता है ना कि ये बच्चा सोचता है कि वो ज्यादा नंबर पा गया, हम कम नंबर पा गए। तो एग्जामिनेशन में जैसे आप घर में एक ड्राइंग रूम होता है कि कोई आए तो हम वहां बैठाते हैं, तो आपको ये समझ लीजिए कि जो भी आपने इतने समय तक मेहनत की है उसका पूरा मूल्यांकन सिर्फ आपकी एंसर शीट। आप ज्यादा जानते हैं कम जानते हैं ये तो आपके टीचर जानते हैं, आपके सब्जेक्ट टीचर जानते हैं। एग्जामिनर के पास आप कितने टैलेंटेड हैं, कितना ज्ञान है, सिर्फ आपकी कॉपी ही उसका बयान कर रही है। इसलिए कॉपी में प्रश्न पढ़ के कभी कभी होता है कि प्रश्न में अगर दो पार्ट है, तीन पार्ट है, तो आपको हर पार्ट के आंसर देने हैं, ये जरूर ध्यान रखिएगा। और एकदम मस्त रहिएगा, एकदम प्रसन्न रहिएगा, घबराइएगा एकदम नहीं, ये चीज बड़ी जरूरी है। बाकी आप सब लोग सारी चीजें जानते हैं। अब हम लोग के बीच में डीआईएस साहब भी आ गए हैं, क्योंकि वो तो बहुत लंबे पोजीशन है कि रीडिंग में से मैन रेडी मैन एंड राइटिंग में से परफेक्ट मैन। हम जैसे आप लोग कोई भी चीज अगर एक बार पढ़ रहे हैं तो चीज पूरी तरीके से नहीं आ पाएगी। बच्चे ने यही पूछा कि पहले वाली चीज भूल जाती है, मैं अगर पढ़ता हूँ तो हनुमान चालीसा इसको ये न जुड़िएगा कि मैं कोई धर्म की बात कर रहा हूँ। हनुमान चालीसा किसी ने याद नहीं की है, लेकिन यहाँ पे बैठे हुए बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जिनको याद होगी, लेकिन याद किसी ने नहीं की है, लेकिन उनको इतनी बार पढ़ा है कि उसको याद हो गई है। इसका मतलब ये है कि हम कोई चीज जबकि एग्जामिनेशन आता है तो टेंथ के बच्चे, ट्वेल्थ के बच्चे वो याद करने लगते हैं, राम ने ये कहा, राम ने ये कहा, राम ने ये कहा, ठीक है। लेकिन अगर आप उसको याद न करें, सिर्फ डेली पढ़ें, तो भी वो चीज याद हो जाएगी। और ये चीज निश्चित याद रखिएगा कि जो बच्चे ने पूछा बहुत से पूछा कि अगर हम दूसरे दिन दूसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं और पहले दिन हमने पहला चैप्टर पढ़ा है, तो दूसरे दिन हम पहला चैप्टर भी पढ़ें और दूसरा चैप्टर भी पढ़ें, कम कम देर पढ़ें। तीसरे दिन जब हम तीसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं तो पहला और दूसरा चैप्टर भी हम पाँच पाँच मिनट से एक बार देख लें, क्योंकि याद बहुत चीजें रहती हैं। कुछ चीजें हमारे आंखों को याद रहती हैं, कुछ चीजें हमारे दिमाग को याद रहती हैं, कुछ चीजें हमारे हाथ को याद रहती हैं। बहुत से दोस्तों का घर आपको याद नहीं है, एड्रेस नहीं याद है, लेकिन आंख को वो रास्ता पता है, आप उसके घर पहुंच जाते हैं। बहुत सी चीजों की स्पेलिंग आपसे पूछी जाएगी तो ना आप आंख मुंह से बोल नहीं पाएंगे, आप कहेंगे पेन दो और आप लिख लेते हैं, इसे होता है ना, क्योंकि आपके हाथ की प्रैक्टिस पड़ी हुई किस तरीके से उसकी स्पेलिंग लिखी है, ठीक है। तो हमारा कान भी कुछ याद रखता है, हमारा क्लास में जो टीचर ने आपको बताया कई चीजें यथावत आपके कान में सुनी है और आपको याद है वो आज तक, तो बहुत सी चीजें हमारी कान सुन करके याद कर देता है, बहुत सी चीजें आंखों को देख करके याद हो जाती हैं, बहुत सी चीजें हमारी लिख करके याद हो जाती हैं। इसीलिए आप जिस समय तैयारी कर रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हो, आप समय का इस तरीके से प्रबंधन करें कि आंख से देखें भी किताब में, देखने के बाद किताब बंद करें, फिर हाथ से लिखे भी, फिर अपना थोड़ी देर उसको भी बंद करें, फिर थोड़ी देर बाद आपने मुंह से बोल के भी अपनी प्रैक्टिस की। तो जितनी भी तरीके की विधाएं किसी भी चीज के अध्ययन और अध्यापन के लिए हो सकती हैं, उन सबका आप पालन करें। आंख भी हमारी देखे, हाथ भी हमारा लिखे, कान भी हमारा सुने और मस्तिष्क सदैव हमारा जागृत रहे। और नया चैप्टर अगर हम पढ़ें तो पुराने को बहुत ही कम समय में जरूर एक बार रिवाइज कर लें। एक समय ऐसा आएगा कि रिवाइज करने का समय उसका लगातार घटता जाएगा। पहले दिन आपने दो घंटे में पढ़ा है तो दूसरे दिन वो एक घंटे लगेगा, तीसरे दिन आधे घंटे लगेगा, चौथे दिन 20 मिनट लगेगा, पांचवें दिन आप 5 मिनट उस चैप्टर को रिवाइज कर लेंगे।